दोस्तों, क्या आप अपने स्मार्टफोन की गैलरी में यूट्यूब की वीडियोस को सेव करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों क्या आप अपनी लैपटॉप की हार्ड डिस्क में यूट्यूब की वीडियोस को सेव करना चाहते हैं? अगर दोस्तों आपका जवाब हाँ है तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं टेक फिट लाइफ। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरीके से अपने स्मार्टफोन को यूज करके अपने स्मार्टफोन की गैलरी में यूट्यूब की वीडियोस को कैसे आप सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों यूट्यूब की वीडियोस को अपने स्मार्टफोन में सेव करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप अपना जो स्मार्टफोन है उसे यहाँ पे अनलॉक कर लीजिए। और दोस्तों स्मार्टफोन को अनलॉक कर लेने के बाद आप जो है गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पे आप ऊपर की तरफ सर्च बार में क्लिक करके यहाँ पे आप टाइप कीजिए यूट्यूब। और दोस्तों जैसे ही आप यूट्यूब टाइप करेंगे आपके सामने जो YouTube का आइकॉन है वो आपके सामने आ जाएगा। अभी दोस्तों यहां पर आप YouTube के आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। और YouTube के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको दो ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें से कि दोस्तों आप यहां पे अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने YouTube के ऐप को यहां पे अपडेट कर लीजिए। और दोस्तों YouTube के ऐप को अपडेट कर लेने के बाद आप उसे यहां पे ओपन कर लीजिए। YouTube के ऐप को ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। अभी दोस्तों यहां पर आप अपने चैनल के आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, जो कि दोस्तों आपको यहां पे टॉप राइट कॉर्नर में देखने को मिलने वाला है। तो जैसे दोस्तों आप यहां पे अपने चैनल वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे यहां पे आपको काफी सारे जो ऑप्शंस है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। बट दोस्तों अभी YouTube की वीडियोस को अपने स्मार्टफोन में सेव करने के लिए आपको दोस्तों यहां पर क्लिक कर देना होगा सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर। और दोस्तों जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहां पर कुछ और ऑप्शंस आपके लिए आ जाएंगे। और यहां पर ना दोस्तों आप क्लिक कर दीजिएगा डाउनलोड्स वाले ऑप्शन पे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहां पर आपको कुछ और ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहां पर ना दोस्तों आप ये जो ऊपर की तरफ ये जो ऑप्शन दिया हुआ है डाउनलोड क्वालिटी, इसके ऊपर दोस्तों आप क्लिक कीजिए। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पे क्लिक कर दीजिए आस्क ईच टाइम, जैसे कि दोस्तों जब भी आप कोई भी यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड करेंगे तो दोस्तों ये जो यूट्यूब का ऐप है वो आपसे पूछेगा कि आपको ये जो वीडियो है एक पर्टिकुलर वीडियो किस क्वालिटी में यहाँ पे डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा आस्क ईच टाइम पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी सारी के सारे जो वीडियोस हैं अगर वो वाईफाई के ऊपर यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे वाईफाई वाले ऑप्शन पे टिक कर दीजिएगा। बट दोस्तों अगर आप यूट्यूब की वीडियोस को डेटा के ऊपर डाउनलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसे अनटिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप ये वाला सेक्शन चाहते हो रिकमेंडेड डाउनलोड्स वाला तो आप इसे टिक कर दीजिएगा, वरना से आप भी अनटिक कर दीजिएगा। और दोस्तों इसको अनटिक करने के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाएगा आपको कि आप जो है अपनी वीडियोस को एसडी कार्ड में डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर दोस्तों आप अपनी वीडियोस को स्मार्टफोन की जो स्टोरेज होती है उसमें आप डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यहां पर ना दोस्तों जितनी भी वीडियोस होती है वो बाय डिफॉल्ट आपके फोन के स्टोरेज में सेव हो जाती हैं। अभी यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर ना अभी मेरे फोन में जो यूट्यूब की वीडियोस हैं वो यहां पे 0 MB की हैं। और दोस्तों इसी तरीके से यहां पर मेरे एसडी कार्ड में जो यूट्यूब की वीडियोस हैं वो भी यहां पे 0 MB की हैं। तो यहां पर दोस्तों अगर आप अपनी वीडियोस को एसडी कार्ड में डाउनलोड करना चाहते हो तो आप यहां पे टिक कर दीजिएगा। और दोस्तों यहां पर टिक कर देने के बाद आप बैक चले जाइएगा और दोस्तों किसी भी वीडियो को आप ओपन कर लीजिएगा जिस वीडियो को दोस्तों आप डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यहां पर दोस्तों मैं अपने स्मार्टफोन के अंदर ये वाली सबसे पहले वाली वीडियो को यहां पर डाउनलोड करना चाहता हूं। तो यहां पर दोस्तों मैं इस वीडियो को इस तरीके से कुछ ओपन कर लूंगा। और इस वीडियो को यहां पे ओपन कर लेने के बाद यहां पर मुझे एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड का। तो यहां पर दोस्तों मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। और दोस्तों जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा यहां पर मेरे सामने एक पॉपअप बॉक्स आ जाएगा, जिसमें कि दोस्तों मुझसे पूछा जाएगा कि मैं इस वीडियो को किस क्वालिटी में डाउनलोड करना चाहता हूं। अभी दोस्तों मैं यहां पे लो क्वालिटी को सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां पर मैं क्लिक कर देता हूं डाउनलोड वाले ऑप्शन पर, जिससे कि दोस्तों ये जो वीडियो है वो मेरे एसडी कार्ड में यानी कि दोस्तों मेरे एसडी कार्ड में या फिर मेरे फोन के स्टोरेज में यहां पे सेव हो जाएगी। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप यहां पर देख सकते हैं ये जो वीडियो है दोस्तों वो अभी यहां पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। जो डाउनलोड्स हैं दोस्तों उसको चेक करने के लिए आपको यहां पे लाइब्रेरी वाले सेक्शन पे आना होगा। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं टॉप बॉटम में यहां पर आपको लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको ये जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे यहां पर ये जो वीडियो है वो आपके स्मार्टफोन में यहां पे डाउनलोड हो चुकी है। अभी दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो वीडियो है वो आखिर में कहां पर सेव हुई है, एसडी कार्ड में सेव हुई है या फिर मेरे फोन के स्टोरेज में सेव हुई है। तो उसके लिए दोस्तों मैं फिर से अपने चैनल वाले आइकॉन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों मैं जाऊंगा सेटिंग्स वाले ऑप्शन में और सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद मैं फिर से जाऊंगा डाउनलोड वाले ऑप्शन में। और यहां पर दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो वीडियो है दोस्तों मेरी ये
ना मेरे SD कार्ड में सेव हुई है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अभी 13 MB यहाँ पे यूज दिखा रहा है। इसी वजह से दोस्तों ये जो वीडियो है वो मेरी SD कार्ड में सेव हुई है। अगर दोस्तों मैं अपने इस वीडियो को अपने स्मार्टफोन के स्टोरेज में सेव करना चाहता हूँ तो उसके लिए दोस्तों मुझे यहाँ पे इस पे अनटिक करना होगा, जिससे कि दोस्तों मेरी ये जो वीडियो है वो मेरे स्मार्टफोन के स्टोरेज में जाके सेव हो जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप किस तरीके से यूट्यूब की वीडियोज को अपने लैपटॉप में या फिर अपने डेस्कटॉप में कैसे आप सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों यूट्यूब की वीडियोज को लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में सेव करने के लिए यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, और दोस्तों क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको google.com को ओपन करके यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है YouTube Studio को टाइप कर लेने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे इसे सर्च कर लीजिएगा, और दोस्तों इसे सर्च कर लेने के बाद आप यहाँ पे सबसे पहले वाले लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा। लिंक पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप का जो इंटरफेस है वो ओपन होके आ जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा कॉन्टेंट वाले ऑप्शन पे। जैसे दोस्तों आप कॉन्टेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने काफी सारी जो वीडियोज है वो आपके सामने आ जाएंगी। अभी दोस्तों इन वीडियोज को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर अपना जो माउस है उसे यहाँ पर लेकर आना है, और दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है 3 डॉट वाले आइकॉन पर। जैसे दोस्तों आप 3 डॉट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है डाउनलोड वाले ऑप्शन पे, और दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों ये जो वीडियो है वो आपके डेस्कटॉप के अंदर यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वीडियो है वो 109 MB की है, तो अभी मैं यहाँ पर स्टार्ट डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे कि दोस्तों ये जो वीडियो है वो मेरे डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क में डाउनलोड हो जाएगी, और दोस्तों उसके बाद मैं अपनी हार्ड डिस्क में जाकर इस वीडियो को वहां पे जाके प्ले कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन की गैलरी में और अपने लैपटॉप की हार्ड डिस्क में यूट्यूब की वीडियोस को सेव कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है यूट्यूब की वीडियोस को सेव करने में तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए आप खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।